बदल दो, उठ जाओ और अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दो। आप बहुत लंबे समय से बस यही सोच रहे हैं कि लाइफ को अपने कंट्रोल में लेंगे, लेकिन अब वक्त आ चुका है चीजें बदल देने का। हम अपने हालातों को अपने ऊपर डोमिनेट करने देते हैं, लेकिन अब चीजों को बदलना होगा। तुम्हारे तो कितने सारे गोल्स थे जो तुम अचीव करना चाहते थे, कितने सपने देखे थे तुमने, तो क्या रोक रहा है तुम्हें? क्यों तुम आज उन सपनों को सच नहीं कर सकते हो? तुम्हारे अंदर सब कुछ बदल देने की ताकत है, लेकिन सबसे पहले अपने पास्ट को अपना फ्यूचर डिफाइन मत करने दो। सिर्फ इसलिए कि तुम कभी फेल हुए थे, इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा फेल ही होते रहोगे। किसी भी तरह के हालात परमानेंट नहीं होते हैं। चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन चैलेंजेस सिर्फ हमें स्ट्रॉन्ग ही बनाएंगे। हम हर प्रॉब्लम को स्टेपिंग स्टोन की तरह देखेंगे और रोड ब्लॉक्स की तरह नहीं। ओके, तो आप अपने चैलेंजेस से परेशान हैं। एक देश का नाम सुना है आपने? जापान। क्या उसकी स्टोरी मालूम है आपको? और जापान ही क्यों? क्योंकि शायद ही ऐसी कोई कंट्री होगी जो तबाह होने के बाद उठी और ऐसी उठी कि वर्ल्ड में कुछ सेक्टर्स में नंबर वन तक बन गई। ईयर 1945 में वर्ल्ड वॉर टू में जापान लगभग तबाह हो गया था। हिरोशिमा नागासाकी पे तो एटम बॉम्ब गिरा था, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि जापान शायद इस दुनिया के मैप से ही हट जाए। लेकिन वहां के लोगों ने कुछ सिद्धांत बनाए, कुछ ऐसे प्रिंसिपल बनाए जिन पे वो लोग चले, और चलकर वो कुछ सेक्टर्स में जैसे ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, उसमें दुनिया में नंबर वन बने। तो जापान एज अ कंट्री और वहां का एक एक इंडिविजुअल इन प्रिंसिपल्स पे चल के सिर्फ ब्लूम ही नहीं हुआ, इवॉल्व भी हुआ। तो ऐसे क्या प्रिंसिपल्स थे जिन पे चल के जापान ने इतनी जबरदस्त सक्सेस पाई? आज डिस्कस करेंगे ब्लूम एंड इवॉल्व पे। तो वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, और हमारा चैनल अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जापान की सक्सेस का सबसे पहला प्रिंसिपल है इकिगाई। तो इकिगाई ये कहता है कि आप प्रॉब्लम्स फेस करते ही इसलिए हैं क्योंकि आप जो करते हैं आप उसको प्यार नहीं करते। मतलब अगर आप अपने काम को प्यार करेंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इकिगाई कहता है कि आप अपना रीजन को बीइंग ढूंढिए। मतलब इस संसार में, इस जिंदगी में आप क्या सबसे अच्छा कर सकते हैं, कुछ ऐसा जिसे लेकर आप पैशनेट हैं, कुछ ऐसा जो आप करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो आप करके पैसे भी कमा लें, और कुछ ऐसा जो इस संसार को, इस दुनिया को चाहिए भी हो। इकी का मतलब होता है लाइफ और गाय का मतलब होता है वैल्यू। तो इकी का ये कहता है कि हर सुबह जो आप उठिए तो एक सेंस ऑफ पर्पस के साथ उठिए। वो उठना सिर्फ आपका उठना ही नहीं, जागना होना चाहिए। आपको ऐसा लगे कि आज मैं उठा हूँ तो वो चीज करने के लिए उठा हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ, जिसे मैं एंजॉय करूंगा। कोई भी ऐसी चीज जिससे आप प्यार करते हैं, जो आप करना चाहते हैं और वो आप करने में अच्छे भी हैं, तो वो बन जाता है आपका पैशन। जैसे गिटार बजाना, तो आप गिटार बजा तो रहे हैं लेकिन आप फिर उससे पैसा नहीं कमा रहे, इसीलिए वो पैशन रह गया। फिर वो चीज जो आप करने में बहुत अच्छे हैं और आपको उसके पैसे भी मिल जाते हैं, तो वो बन जाता है आपका प्रोफेशन। जैसे कि कोई लॉयर है, वो अच्छा भी है काम करने में और उसको पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन वो शायद उस काम को उतना प्यार नहीं करता। तो अगर आप वो करते हैं जिसके लिए आपको पैसे मिलते हैं और दुनिया को भी उसकी जरूरत है, तो वो बन जाता है वोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप हर संडे को टीचिंग क्लासेस ले लें, और फिर आप अगर वो करते हैं जो आप करना चाहते भी हैं, आप उस काम को प्यार करते हैं और दुनिया को भी उसकी जरूरत है, तो फिर वो बन जाता है मिशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गार्डनिंग या पेड़ उगाना। लेकिन इकिगाय का प्रिंसिपल ये कहता है कि आप वो काम जिंदगी में बेस्ट करेंगे जिस काम को आप प्यार भी करते हैं, जो काम आपको पैसा भी दे सकता है, वो काम आप करने में भी अच्छे हों, एंड एट द सेम टाइम उस काम की जरूरत भी दुनिया को हो। तो जब आप ऐसा काम करते हैं तो आपका पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन, मिशन सब एक चीज बन जाता है। तो अगर मैं फिटनेस को लेकर बहुत पैशनेट हूँ, अगर मैं फिटनेस को अपना प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ, तो मैं एक वे प्रोटीन की कंपनी खोल सकता हूँ, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सकता हूँ उसका, या मैं एक जिम ही ओपन कर सकता हूँ, या मैं ऑनलाइन सप्लीमेंट का स्टोर बना सकता हूँ, या मैं फिटनेस ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ ऑनलाइन या ऑफलाइन, कैसे भी। तो अगर मैं फिटनेस के अराउंड अपनी जिंदगी को एक तरह से स्टिच करूं, तो मुझे जिंदगी में कभी भी काम करने की जरूरत ही नहीं है। उससे रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम मुझे अगर आई लाइफ में, तो वो प्रॉब्लम भी अपने आप में प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं उसकी प्रॉब्लम को भी इंजॉय करूंगा। अगर आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं आज, अगर एक प्रोफेशनल करियर छोड़कर आप एक पैशनेट करियर को आगे परस्यू कर सकते हैं, तो जरूर करिए। इकिगाय यही कहता है। सेकंड जापानीज प्रिंसिपल और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मोनो नो अवारे। ये प्रिंसिपल कहता है कि कुछ भी लाइफ में परमानेंट नहीं होता। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे अच्छा वक्त हो, चाहे बुरा वक्त हो, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, सब कुछ बदलता है। तो जापान में जब स्प्रिंग सीजन आता है तो वहाँ के पेड़ों पे कुछ स्पेशल फ्लावर्स आते हैं जो कि हफ्ता 10 दिन के आसपास ही रहते हैं। तो उन पेड़ों के नीचे लोग
आते हैं, बैठते हैं और एक फेस्टिवल की तरह इसको सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पर वो ये रियलाइज करते हैं कि देखो सब कुछ कितना अच्छा और खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन कुछ टाइम के लिए ही ये सब रहेगा, उसके बाद लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। तो हमारी खुशियाँ जो हैं वो कुछ चंद पल की हैं, और ये चंद पल भी नहीं रहेंगे, ये भी चेंज हो जाएंगे, लेकिन जब तक हैं इनको सेलिब्रेट करो। तो मोनोनो अवारे का प्रिंसिपल कहता है कि कितना भी मुश्किल समय हो, कितना भी कठिन वक्त हो, वो पास हो जाएगा, कितना भी अच्छा वक्त हो वो भी पास हो जाएगा। तो आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि आपकी चाहे वेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे जिंदगी हो, सारी ही चीजें इम्परमानेंट है, सारी ही चीजें जो हैं वो एक दिन नहीं रहनी है। तो इस बात की जब आपको एक्सेप्टेंस हो जाती है, तब आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपको पता होता है कि आपको प्रेजेंट में जीना है, आपका पास्ट आपका फ्यूचर मायने नहीं रखता, तो आप सिर्फ जिंदगी आज में जीते हैं और आने वाले किसी भी चैलेंज को लेने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं। तो थर्ड जापानीज प्रिंसिपल है वाबी साबी या किंसुगी। वाबी साबी ये कहता है कि दुनिया में चारों तरफ इम्परफेक्शंस ही इम्परफेक्शंस हैं, तो हमें उनको लेके ऑब्सेस नहीं हो जाना चाहिए, बल्कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इसी वाबी साबी के प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है किंसुगी, जो कि एक जापानीज आर्ट है ब्रोकन पॉट्स को रिपेयर करने की विद गोल्ड एंड सिल्वर। तो वो ये करते हैं कि जो पॉट्स टूट जाते हैं उनको रिपेयर करने के लिए गोल्ड या सिल्वर का यूज करते हैं। तो रिपेयर होने के बाद आप उन क्रैक्स को विजिबली देख सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आप अपने इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करिए, और सिर्फ एम्ब्रेस ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं, आप उनको सेलिब्रेट करिए, आप ग्लोरीफाई करिए, उन परफेक्शंस को एक ताज बनाकर पहनिए, क्योंकि वही इम्परफेक्शंस आपको डिफाइन करते हैं। अगर आपने अपने इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट कर लिया तो आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बन के बाहर आएंगे। किंसुगी का सिद्धांत ये भी कहता है कि आप जितनी बार भी टूटते हैं, जितनी बार भी जिंदगी आपको तोड़ती है, आप उतनी बार उठिए, आप खुद को रिपेयर करिए, और जो आपको लर्निंग्स मिले इस फेलियर से, उनको आप गोल्ड और सिल्वर की तरह कीमती समझिए। अपने फेलियर को कभी छुपाने की कोशिश मत करिए, वो फेलियर तो आपका गहना है जो आप पहनेंगे। फोर्थ जापानीज प्रिंसिपल और सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है काइजन। काइजन का मतलब होता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना। तो जब गेम ऑफ क्रिकेट बना था, उस टाइम पर लोग सिर्फ पैड्स पहनते थे, ना ग्लव्स होते थे लोगों के पास, हेलमेट भी नहीं होता था। तो जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा और लोगों को इंजरीज हुई, तो सबसे पहले उन्होंने ग्लव्स बनाए। तो ग्लव्स बनाने से सबसे पहले तो उनकी जो रिस्ट थी, उनके फिंगर्स थी, वो प्रोटेक्ट हुई। फिर उसके बाद उन्होंने हेलमेट बनाए। तो हेलमेट भी बनाने के बाद उन्होंने देखा कि सर तो बच गया, लोहे का एक वो पहनते थे वो कैप टाइप की, लेकिन जो आगे का जो जॉ है या आपकी नोज है, आईज है, वो फिर भी अनप्रोटेक्टेड रहती थी। तो उन्होंने फिर आगे ग्रिल लगाई। तो आप देखिए स्टेप बाय स्टेप, एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी से तीसरी उन्होंने सीखी और वो इम्प्रूव करते चले गए। आज क्रिकेट बहुत सेफ है, चांसेस फिर भी हैं इंजरी होने के, लेकिन पहले के मुकाबले जहां आपको कभी भी बाउंसर हिट हो सकती थी, उतना रिस्की नहीं है ये गेम। तो काइजन का एप्लीकेशन जापानीज कंपनीज ने ऑटोमोबाइल में किया, जिसमें टोयोटा तो एक केस स्टडी बन गई। टोयोटा ने काइजन को अप्लाई किया और हर रोज कुछ ना कुछ इम्प्रूव किया या इनोवेट किया, और आज वो दुनिया की नंबर वन कंपनीज में से एक है। तो काइजन ये कहता है हर चीज में इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है, चाहे वो आपका बिजनेस हो, आपकी जिंदगी हो, आपके पर्सनल रिलेशंस हो, आप हर चीज में काइजन अप्लाई कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको इवॉल्व कर सकते हैं, एक नया रूप दे सकते हैं। लेकिन एक बार जो आपने चेंज कर दिया तो वो चेंज परमानेंट होना चाहिए। फिफ्थ जापानीज प्रिंसिपल है शोशन। शोशन कहता है कि अगर आपको जिंदगी में चीजें सीखनी हो और ग्रो करना हो, तो आपका एक बिगनर्स माइंडसेट होना चाहिए। तो आप याद करिए, जब आपने साइकिल चलानी सीखी थी बचपन में, तो क्या होता था, आप साइकिल पे चढ़े, थोड़ी ही दूरी पर गए, आप गिर जाते थे, तो आपको ये फिक्र नहीं होती थी कि लोग क्या सोच रहे हैं और कोई साइड में खड़े होकर मुझ पर हंस रहा है, या मेरे जोक्स बन रहे हैं, या मुझे चोट भी लग रही है। आपको कुछ रियलाइज ही नहीं होता था, आप इतना एंजॉय करते थे उस एक्सपीरियंस को। तो आज आप क्यों कॉन्शियस होते हैं, आज आप क्यों जजमेंटल हो जाते हैं, आज आप क्यों ये सोचते हैं कि अरे यार वो चार लोग क्या कहेंगे यार, अगर मैं गिर गया या अगर मैं फेल हो गया तो। तो अगर आपका एक बिगनर्स एटीट्यूड होता है, तो वो आपको हमेशा नई चीजें लर्न करने में कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि आप कॉन्शियस नहीं होते, क्योंकि आप जजमेंटल नहीं होते अपनी उस अटेम्प्ट को लेकर। तो लाइफ में आपको ओपन माइंडेड रहना चाहिए और क्यूरियस रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताता है कि लाइफ के हर चैलेंज, प्रॉब्लम्स या फेलियर को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको बहुत कुछ लर्न करने को और फिर वहां से ग्रो होने को मिलेगा।
जब आपका बिजनेस माइंडसेट होता है तो आप ज्यादा क्रिएटिव भी होते हैं, आपको नए नए आइडियाज भी आते हैं, आप एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी बना लेते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि आप अपना ईगो कम करें और अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस लिए विदाउट फियर ऑफ जजमेंट्स। तो आज हम आपसे ये कह सकते हैं कि अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को एम्ब्रेस करिए, कोशिश करिए अपने पैशन को या वो चीज जिससे आप प्यार करते हैं अपना प्रोफेशन बनाने की। चैलेंजेस को, फेलियर्स को सिर्फ एक्सेप्ट ही मत करिए, उनको सेलिब्रेट करिए, एक ताज की तरह पहनिए। अपनी जिंदगी में, अपनी काबिलियत में, अपने प्रोफेशन में इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करिए और काइजन अप्लाई करिए जिससे आप अपनी लाइफ को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करें। ऐसे और कौन कौन से जापानीज प्रिंसिपल्स आप जानते हैं ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। आई होप यू लव टुडेज एपिसोड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, ब्लूम एंड इवॉल्व।